नमस्कार, वेद दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन स्थिर। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की थी कमी, 6 रुपए तथा 10 रुपए प्रति लीटर की कमी। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने भी घटाया था वेट। पटाखे पराली से दिल्ली में धुंध खतरनाक स्तर पर, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। AQI 550 पार, दिल्ली NCR में धुंध की मोटी परत छाने और हवा की गुणवत्ता खराब। लोगों के गले में खराश और आंखों से पानी आने की दिक्कतों से जूझना पड़ा। दिल्ली में प्रदूषण पर कोहराम, केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय बोले, लोगों की पटाखे फोड़ने के लिए BJP जिम्मेदार। पराली जलाने की करीब 3500 घटनाएं हुई है और इसका असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, पार्टी जहां से कहेगी वह वहां से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 2022 की शुरुआत में UP में होने हैं चुनाव। शनिवार सुबह पूजा के बाद बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, शीतकाल में बंद रहेगा केदारनाथ धाम। इससे पहले शुक्रवार को बंद हुए थे गंगोत्री धाम के कपाट, 20 नवंबर को बंद होंगे बद्री विशाल मंदिर के कपाट। जर्मनी में कोरोना का कहर, रिकॉर्ड 37,120 मामले, 154 की मौत। जर्मनी के रोग नियंत्रण केंद्र रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के मुताबिक संक्रमण की इस लहर में कोविड रोधी टीके की खुराक नहीं लेने वालों को सर्वाधिक खतरा। रोहतक में किसानों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित भाजपा नेताओं को बनाया बंधक। मीडिया खबरों के अनुसार किसान चाहते थे कि कुछ मुद्दों को लेकर ग्रोवर माफी मांगे, पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद छोड़ा। NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से हटाया, अब NCB केंद्रीय टीम करेगी जांच। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, यह तो अभी शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। केएल राहुल के तूफानी अर्धशतक के बदौलत भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया। भारत ने पहले स्कॉटलैंड को 17 ओवर 4 बॉल में 85 रन पर आउट कर दिया और उसके बाद 6 ओवर 3 बॉल में जीता मैच। नवजोत सिंह सिद्धू ने वापस लिया अपना इस्तीफा, बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। कहा, जिस दिन नए महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी मैं कार्यभार ग्रहण करूंगा। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com।